बेटी बेटी पापा बर्थडे बर्थडे तू पापा ये मैंने पिछले व्लॉग में बनाया था और पता नहीं है क्या ही निकला है, तो इसको ना मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगी। और अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इंग्रेडिएंट्स जो थे वो बचा के रखे थे, तो मैं इसको एक और एक और इसका हाथ जो है वो सोते टाइम बनाऊँगी, क्योंकि इसने इतना हिलाया है ना, ये देखिए आई थिंक आपको दिख रहा है बहुत हिलाया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इससे करेक्ट कर सकती हूँ, आई थिंक बबल्स वगैरह इसमें दिख रहे हैं, और बाकी ये तो एकदम सही है, ये हल्का हल्का दिख रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा, बट इसमें बहुत हाथ हिलाया है, ये देखिए ना ये एक्स्ट्रा ये सब जो है। तो अब मैं सोच रही हूँ एक बड़े कंटेनर में जिसका इसका जो हाथ है वो थोड़ा सा और परफेक्ट आ जाए। तो फर्स्ट पूरा का पूरा फेल हो गया, ऑल दो इसे क्लीन करके इसको भी एज अ मेमोरी रख सकते हैं, और एक सेकंड जो है उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने सभी नाश्ते में बनाए थे प्याज के पराठे, जो कि आपने देखे थे, और एक गड़बड़ हो गई थी प्याज के पराठे बनाने टाइम कि मैंने उसे ग्राइंडर में पीसा और वो कुछ ज़्यादा ही पिस गया, तो बेलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि उसे या तो काट लो या एकदम हल्का सा मिक्सी चलाइए। तो बहुत ही मुश्किल से पीसे, पर पेट इतना भरा हुआ है कि अभी हम खाने के बारे में ही सोच सकते। डिग्गू को मैंने अभी टब में किया है और वो टब में खेल रहा है, और साथ में हल्का सा ना गुनगुना पानी है। मैं थोड़ा दरवाजे बंद कर रही हूँ क्योंकि हवा चल रही है बाहर, बरसात तो ऐसी चल रही थी ना, पर अभी फिर भी थमी हुई है बरसात। तो इसको मैंने किया है क्योंकि एक तो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी वो स्टिल अभी है, कोशिश हो रही है पूरी, मैं दवाई से कर रही हूँ और हल्का सा गर्म पानी से भी ओपनिंग जो है वो हो जाती है, तो मैं वो भी ट्राई कर रही हूँ। मैं अपनी तरह से सब ट्राई कर रही हूँ। तो ये खेल रहा है अभी, फिर मैं इसे फटाफट नहला रही हूँ, थोड़ी देर रहेगा इसमें और मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। डुगू को मैंने एप्पल खिला दिया है और उसके बाद मैं नहा के तैयार होके आ गई हूँ, और आज मैंने पहना है ये सूट, और ये जो सूट है मैंने फर्स्ट टाइम ही पहना है। डुगू को थोड़ा सा रेडी करती हूँ और फिर देखते हैं राधा की बर्थडे की भी प्रिपरेशन है। हाय हाय डू हाय डू। तो डुगू के बाल जो है ना बड़े हो रहे हैं, और इसके बाल मैं सोच रही हूँ कि कटवाऊँ या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा अभी मेरे को, श्योर नहीं। पीछे से सही है, आगे से इसकी जो माथा है ना वो कवर कर रहा है, और अब ये थोड़ा सा यहाँ पे खेलेगा। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और जाने का प्लान था बर्गी, पर हम बर्गी के लिए लेट हो गए, राजा बैंक गए थे। तो अभी इनका बर्थडे है कल, ठीक है। अब बर्थडे के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ, तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं डुमना, पर डुमना जाने से पहले हम लोग जा रहे हैं एक स्कैन कराने। तो ये सोनोग्राफी है, तो चीज़ें जो है ना वो बहुत ही मेस्ड अप है, और मैं इन सब चीज़ों को ना अभी डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, मैं बाद में करूँगी, क्योंकि कोई भी ना चीज़ें समझ में नहीं आ रही, हमारे सर के ऊपर से जो चीज़ें वो जा चुकी हैं। तो 1 जून में मैंने अपना टेस्ट कराया था, लाइक सोनोग्राफी कराई थी, क्योंकि जो मेरा
होम प्रेगनेंसी टेस्ट था वो पॉजिटिव आया था. उसके बाद मुझे ब्लीडिंग हुई और फिर उसके बाद जब मैंने एक स्कैन कराया था उस टाइम पे वो कह रहे थे वेस्ट है, अगर आप लोगों को याद है तो, है ना. उसके बाद जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी और वो पिल्स आती हैं तो उन्होंने मुझे क्लियर करने के लिए दी थी, वरना डीएनसी का वो था. उसके बाद मैंने वो ली है तो उससे भी बहुत कुछ ऐसा लगा कि क्लियर हुआ. उसके बाद एक स्कैन बचा था मेरा, पर डुगू का बर्थडे आ गया था और बर्थडे के कारण हम लोग घर चले गए और उस चक्कर में वो स्कैन रह गया. अगस्त चल रहा है और मेरे क्या बोलते हैं जो कुछ अजीब सा कुछ हुआ है जो आई थिंक किसी के साथ होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक इस तरह के दुविधा में आ जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर में ये सब जो है ना ये आपके साथ चल क्या रहा है. आज का भी ऐसा था कि पक्का ही था. फिर मैंने वहाँ पे कॉल किया, डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर से फिर मैंने वो बोला. फिर डॉक्टर ने कहा कि अपॉइंटमेंट ले लो. फिर मैंने स्कैन का टाइप बताया कि पेल्विक यूएसजी होनी है. तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप आ जाओ 3:30-4 बजे तक. तो अब ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं तो घूमते भटकते हुए इतना टाइम हो ही जाता है, तो 4 बजने वाले. तो फिर राजा को मैंने बोला एक स्कैन करा लेते हैं फिर चलेंगे डुमना. मेरे को थोड़ा सा ना फ्रेंच फ्राइज़ और मैगी, मुझे घर में मैगी खाना बिल्कुल नहीं पसंद है. अगर मटर गाजर हो फ्रेश ठंड की तो मज़े की है, वरना मेरे घर में नहीं खाना. मुझे फ्रेंच फ्राइज़ एंड मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मैं वही थी मन कर रहा था तो वहीं चलते हैं. तो उससे पहले पर जो स्कैन है वो करा लेते हैं. मैंने बहुत सारा पानी पी लिया है. स्कैन के लिए गए थे पर स्कैन नहीं कराया क्योंकि वहाँ पे टोटल 4 टारगेट स्कैन होने थे और टारगेट स्कैन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो फिर हम लोगों ने उनसे बोला तो हम लोग घूम के आते हैं तब तक, क्योंकि वो बोले थे कि आप आ जाना फिर अराउंड 7:30 या 8 के बीच में. फिर उन्होंने बोला ठीक है तभी आएंगे, अभी कितना टाइम हो रहा 5 भी नहीं बजे. तो वहाँ पर 2-3 घंटे वेट करने का कोई भी मतलब नहीं था. मैगी, 2 कप चाय, फ्रेंच फ्राइज और डगू सोया हुआ है और फीड करके सुलाया है. आजकल उसे कार में सोने की हैबिट खत्म हो गई है उसकी. जब फीड कराते हैं तो सो जाता है, सुबह से वो सोया ही नहीं था उठने के. मैंने पानी और बिस्किट खिलाए. यहाँ से हमने एक टाइगर बिस्किट का लिया था और उसके 4 बिस्किट से खिलाए हैं और उसने खाना खाया है. बहुत प्यारी मोर की. पापा पकड़ लो इसको, खेल बाहर क्यों गए? आज वही यहाँ से निकाल लोगे? तो कब हुआ? मैं छोटा ही था. ओके, मैं आपको पता नहीं का कितना छोटा हूं. बहुत ही प्यारा, पता है मोरों की आवाज आ रही थी यहाँ पे, बहुत प्यारी. हाँ, तो इसका ये मैंने जो नाश्ता है वो कर दिया है. हमारा नाश्ता तो हो ही गया. क्या मौसम है, तो शाम होने को है खत्म, शाम खत्म होने को है और अंधेरा कायम होने वाला है. अभी देखिए, लेकिन ऐसा मौसम, ऐसा औसम मौसम है, औसम. यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा. लेट ना हो जाए, लेट होने से पहले निकल लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा. पानी पी, अरे पानी पिलाना पड़ेगा. घर से तो पानी पी के आई थी, फिर से पानी पिलाना. हाँ, पेट में बहुत ज़्यादा फट रहा था. हाँ, तो चलो चले, ये औसम मौसम को छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ पे हम लोगों को. हाँ हाँ हाँ, क्या हवा, बालों से आपको पता चल रहा होगा मेरे बाल वैसे सेट रहते हैं हर समय, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है, अच्छे लग रहे हैं उड़ते हुए बाल. अच्छा फोटो लगाई ना? फोटोज भी अच्छी आई हमने. कहाँ
तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले आए, स्कैन हो गया है और रिपोर्ट फोन में आ गई है और वो जो हार्ड कॉपी, इतनी भीड़ थी वहां पे, इतनी भीड़ थी पूछे मत, शाम में ही भीड़ थी, वही भीड़ थी, तो अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो हम लोग को जो अपॉइंटमेंट था वो मिल गया। तो वापस से मेरा जो है वो TVS ही हुआ है, मेरा ये 3rd TVS है विद इन जून जुलाई अगस्त। जुलाई आई थिंक मैं फ्री थी क्योंकि मैं हद्दे के बर्थडे के लिए चली गई थी और हम लोग अगस्त में ही आए थे, तो जून और इसको मिला के TVS हुआ है। और रिपोर्ट सही है, क्लियर है, सब कुछ सही है, पर मैं इंटरनली बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो है ये मैंने जब मेरे लिए ना बत्तियाँ मंगवाई थी, मुझे ना जैसे बरसात होती है ना तो बहुत स्मेल सी आती है, पूजा की है यार और पूजा का मतलब कुछ की है। और तो राजा भी थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाएंगे क्योंकि उनका जो ऑफिस का लड़का है वो 2 घंटे के लिए जा रहा है, अपनी है मतलब पर्सनली कहीं जा रहा है, तो कुछ काम है तो वहाँ जा रहा है। तो ये मंगवाई है यार मैंने, एक बार ना मैं सोच रही थी कैसे आएगी, आई डोंट नो कि ओपन कैसे करना है। खुशबू जो है वो इतनी ज्यादा सरते सरते कि पूरे घर में, और स्पेशली ना मतलब बालकनी में अभी बारिश का पानी आ रहा है तो वहाँ पे ग्रास लगी हुई है, उसके कारण मछली वाली स्मेल आती है। नाक के अंदर जा रहे, सेंटर ऑफ घर में रख रही। तो अद्विक मेरे साथ किचन में ही है, राजा जो है वो अभी गए हुए हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ क्योंकि रात का कोई जुगाड़ नहीं है मेरे पास, अभी कल का जो मतलब राजा का बर्थडे है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ देखती हूँ, या पता नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो मैं थोड़ा इत्मीनान से बैठ के और जो भी है कि मेरे पास 2 घंटे हैं टोटल, और साथ में क्योंकि मैं केक नहीं लाई हूँ तो मैं बना रही हूँ एकदम देसी लाइक टाइप ऑफ केक। राजा को बेसन का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं राजा के लिए बेसन का हलवा बना रही हूँ कि रात में कुछ उनके लिए मीठा अपनी तरफ से कर दूँ। और आज ऐसा दिन था और थोड़ा स्ट्रेस से पता है और चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो अब मैं राजा के लिए बना रही हूँ हलवा और ये बना रही हूँ मैं बेसन का हलवा। राजा को 2 तरह के हलवे पसंद है, एक है बेसन, एक है आटा। तो जो आटे का हलवा है वो इतना पसंद नहीं करते, लाइक प्रेफरेंस वाइज देखा जाए तो ये बेसन का हलवा ज़्यादा पसंद करते। तो यहाँ पे जो बेसन है वो मैं भून रही हूँ और ट्राईपॉड हिल रहा है क्योंकि डुगू बार 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 आ रहा था, और यही होता है किचन में जब डुगू रहता है वो नीचे खेलता रहता है, अदरवाइज़ फिर वो आता रहता है पास में, पर ये है कि मेरा काम हो जाता है। यहाँ पे जो बेसन है भुन गया, जब बेसन भुन जाएगा उसके बाद गैस को 3 से 4 मिनट के लिए मैं बंद कर दूँगी ताकि जो बेसन है वो ठंडा हो जाए, और उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। इससे क्या होगा ना, जो बेसन है उसमें गांठ नहीं पड़ेगी। ऐसे आटे के हलवे के लिए भी आप थोड़ी देर के लिए आटा जब भुन जाए उसके बाद ठंडा कर दीजिए और उसके बाद पानी डालिए, तो जो आटा है उस आटे का हलवा उसमें गांठें नहीं पड़ती, वरना गोल गोल अजीब सी गांठें बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद मैं इसमें डालूंगी पानी, और अभी गैस मैंने ऑन नहीं करी है, पहले मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी ताकि इसकी कोई भी गांठ हो रही है इसमें तो मेल्ट हो जाए, अगर मैं इसे गर्म में ही करती तो वो दिक्कत हो जाती। तो साथ में ना जब मैं हलवा बना रही थी तो मैंने ये जोमेटो से ऑर्डर कर लिया था एक केक भी, क्योंकि मुझे लगा यार एकदम से मुझे याद आया कि मैं तो ऑर्डर भी कर सकती हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे से ऑर्डर करके रख लिया है, और साथ में ये वाला जो है ये भी, क्योंकि क्या था ना तो मेरे को लगा एक ये सिर्फ हलवा था मीठा होने के लिए, तो मुझे लगा एक केक भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ पे जो हमारा हलवा है वो रेडी हो गया है एकदम, और इसके बाद मैंने क्या किया इसको जमा दूंगी मैं इन बेकिंग ट्रे। तो यहाँ पे अभी सब्जी वाले आए हुए हैं तो उससे क्या है ना आपको बीच बीच में आवाज़ आएगी, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा जो बेकिंग ट्रे है उसमें घी लगा दिया था
और उसके बाद मैं इसे एकदम फ्लैट कर दूंगी ताकि एक केक के जो फॉर्म है वैसे हो जाए। तो एक हमारा एकदम देसी घर का केक जो है वो बना लिया। यहाँ पे मैंने कटोरी में हल्का सा घी लगाया था और उसके बाद इसे फ्लैट कर लिया है। और सब्जी वाले भैया जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं कि किसी को चाहिए तो ले लो, किसी को सब्ज़ी चाहिए, आप कोई ब्लॉग देख रहे थे। तो यहाँ मैं मंगवाड़ी की सब्ज़ी बना रही, क्योंकि घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, एक दो सब्ज़ी थी और वो ख़राब सी हो गई थी क्योंकि बरसात चल रही, तो वैसे गीली गीली सब्ज़ी आती है और फिर उसमें आँख एक बहुत अजीब सी हो गई थी, अगर दो दिन आपने सब्ज़ी कुक नहीं करी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने हल्के से घी में जो मंगवाड़ी है वो रोस्ट कर लूँगी और साथ में अब जो टमाटर और हरी मिर्ची है वो भी इसके साथ काटना शुरू करूँगी। तो ये बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी रहती है और ये जैसे आप बच्चे को भी बना के खिला सकते हो, क्योंकि मंगवाड़ी मूंग दाल की बनती है, मूंग दाल बच्चे के लिए अच्छी रहती है। हल्की हल्की सी मैश करिए, रोटी से मिलाइए और खिला सकते हैं, पर मैंने डुगू के लिए अलग से खिचड़ी बना दी थी इसीलिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च जो है वो काट ली है, डुगू के लिए नहीं थी, ये मेरे और राजा के लिए थी। तो खाना मैंने एकदम प्लेन रखा है आज, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मैगी वगैरह खा के आ गए थे, फ्रेंच फ्राइज़, तो मेरे को लगा रोटी सब्ज़ी बना लेते हैं और सब्ज़ी मेरे को ये लगा कि मंगवाड़ी बना लेते हैं। तो ये डुगू ही है जो इसे बार बार हिला रहा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी जीरा, जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्ची, और हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर, साथ आप इसमें थोड़ी सी अदरक कसके डाल दीजिए तो जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद टमाटर को गलने के लिए मैंने इसमें नमक डाला है और हल्की सी मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, ताकि जो हल्दी है वो हमारे टमाटर के साथ ही भुन जाए। तो हल्दी डालने के बाद मैं इसे वापस से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे ढक दूँगी ताकि ये गल जाए। इस बीच में जो आलू हैं वो भी मैं काट रही हूँ। तो ये मंगौड़ी आलू की सब्ज़ी आई थिंक सभी ने खाई होगी, सभी घर में मंगौड़ी बनती ही होगी। तो जो मंगौड़ी रोस्ट हो जाती है और ठंडी हो जाती है तो उसे हल्का हल्का सा कूट के उसको थोड़ा समय एकदम बारीक नहीं, थोड़ा थोड़ा चूरा कर लीजिए ताकि जो सब्ज़ी है वो बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाती है। उसके बाद मैं टमाटर देखी, टमाटर गल गए हैं, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू। अब जो भी रिक्वायर्ड मसाले हैं जैसे कि धनिया पाउडर, मेरे को याद नहीं आ रहा, लाल मिर्ची और नमक, नमक एकदम हल्का सा डाला था तो नमक डाल दूंगी मैं इसमें। एंडिंग में थोड़ी सी खटाई गरम मसाला डाल के आप सब्ज़ी को कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे जो आलू है उसको मैं अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने इसमें डाल दी है मंगौड़ी, और ये सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ ज़्यादा स्पेशली बहुत अच्छी लगती है मंगौड़ी की सब्ज़ी। आप इसे विथ हैवी ग्रेवी बना सकते हो, पर मेरे को थोड़ा सा लाइट खाना बनाना था इसीलिए मैंने ये जो है ये बना के यहाँ पे ढक दिया। अब ये अपने आप मीडियम गैस से बनती रहेगी। और मैंने फटाफट जो आटा था वो भी लगा दिया था, मेरे को लगा था कि जब तक राजा आएंगे तब तक खाना बन जाएगा, बट जब रोटी बन रही थी तभी राजा आ गए थे। तो यहाँ पे आटा लगाने के बाद मैं रोटियाँ जो है वो बेलना शुरू करूँगी और फटाफट जो रोटी है वो मेरे राजा और बोजो के लिए सेक लूँगी। तो बोजो भी जो है वो रोटी खाता है और गूगल भी खाता था, तो बोजो प्लेन रोटी बोजो को सिर्फ तोड़ के दे दो वो खा लेता है। कई बार हम अंडे में मिला देते, कई बार पनीर में मिला के दे दो, तो इस तरह से जो है वो खा लेता है। तो यहाँ पे जो रोटी है वो मैं बना रही थी, मेरे को पर लगा था कि काश मैं डुगू को भी रोटी दे देती, पर डुगू के लिए मैंने पहले से ही खिचड़ी जो थी वो बना के रखी हुई थी, इसलिए फिर मैंने अपने लिए जो रोटी है वो कर ली थी। तो यहाँ पे हमारा जो डिनर है वो मैंने रेडी कर लिया। तो ये रोटियाँ हो गई हैं और जो सब्ज़ी है वो भी हो गई, इसे अब धनिया और गर्म मसाले से रेडी करना था और हम लोग का डिनर जो है फुली प्रिपेयर है। तो मैंने ना खाना बना लिया, जब मैं रोटी सेक रही थी उस टाइम पे राजा आ गए। तो क्या है ना, आई मैं मुझे केक है वो निकालूंगी, फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, एकदम गर्मी सी लगने लगी। और जब से मैं आई थी मैंने आते साथ ही सबसे पहले इसका खाना बनाया, इसको जो खाना है उसका खाना ठंडा किया, जब तक उसका खाना ठंडा हो रहा था मैंने हलवा बनाया। फिर मेरे को सब्जी समझ में नहीं आई थी, सब्जी हम लेके भी नहीं आए थे, मेरे पास भिंडी और वो बैंगन रखे हुए थे। और मैंने फ्रिज खोला तो उसमें पता नहीं अजीब से पाचे पक गए, वो बहुत ही अजीब से बर्फ टाइप के ठंडे ठंडे हो गए, क्योंकि फ्रिज समर पे था, उसमें मुझे मानसून पे करना था, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को सब्जी समझ में नहीं आई, फिर मैंने आलू और सोयाबीन की सॉरी मंगौड़ी की सब्जी बनाई, मंगौड़ी में मम्मी ने दी थी। उसके बाद फिर रोटी बनाई, फिर मेरे को बीच में एक आइडिया आया था और तो राजा खिला लो राजा। झुकना पड़ता, अभी भी झुकना पड़ता।
देखिए क्या हो रहा है, मेरा बर्थडे रात को 12 बजे अभी बताया है ना, इसलिए मेरे को लगा नाइटी पहन के मैं बहुत अजीब सब सुबह से पहना हूं। नाइटी पहन के कौन बर्थडे सेलिब्रेट करता है? मेरे को बोल रहे हैं तैयार हो गया, मतलब मैं पागल हूं जो टी शर्ट और पिंक टी शर्ट और पहन के आ रहा हूं। नहीं मैं चेंज कर लूं। हां तो आप नाइटी पहन के आए तो मैं भी हूं, मैं भी नीचे लोअर पहन के आया हूं। कौन सा वो जो हम लोग लेके आते थे पैक वाला, वो तो नहीं तो कौन सा केक बनाया? तुम्हें नफरत होगी, तुम्हारा फेवरेट प्रकार ऑफ स्वीट तो देख कुछ ना कुछ फर्जी है, 110% है। तो ये समझ में आ गया, लगता है मैं स्कैन करा के आई, उसके बाद फिर मैं घर आई, मैंने अभी खाना बना के रखा है, सब बना के रखा हुआ है। ये क्या दो सीन लगा के रखे आपने? ये उसको सजा के रखे। अच्छा हाँ, हम वो लोग अपना लेके नहीं गए, हमने खुद ही हटा दिए उनके पिलर, आज सुबह उठाए। ले गए वो दिन में? ले गए। अच्छा मेरे को देखा नहीं उन्हें। ले गए ना। तो पिछली बार हम लोग राजा को बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, और वो एक ऐसा लौता बर्थडे था जो कि सेलिब्रेट नहीं किया। हम लोग हमेशा से अपना राजा का सबका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। पिछली बार डुगू का एक्सरे एंड वो जो याद आपको स्कैन वगैरह था वो मैं रिमाइंड ही नहीं करती। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने आई थिंक एक्सरे कराया था, उस टाइम तक स्कैन हुआ नहीं था। आई थिंक 26 अगस्त को हुआ, 23 को नहीं हुआ था। उस टाइम एक्सरे हुआ था, उसको निमोनिया था, तो उसके वो थोड़ा सा डाउन टाइम था। और एकदम से ऐसा था ना कि आपका बच्चा 1 महीने का था उस टाइम, और लगता था कि बस चीजें वो और अंदर से ला रही राजा का केक। राजा आई यू रेडी? हम लोग ने जन्माष्टमी, हम लोग ज्यादा मीठा खा नहीं रहे, जन्माष्टमी में केक खाया था, नहीं तो मैं सोच तो रहा था ऑफिस से लौट के। कौन अपनी बर्थडे पे खुद केक बना के मंगा के अपनी इंसल्ट कराता है? ओहो ये क्या है बता, क्या है ये? तो मेरा फेवरेट है। क्या है? बेसन का वो हलवा है? नहीं बर्थडे के दिन इससे अच्छा क्या हो सकता है? ओले मम्मी ने इसका केक बनाया पापा के लिए, मम्मी ने केक बनाया। ओ देसी केक के साथ ये बात आया, ये बात आया। There's an app called Zomato. कौन सा फ्लेवर बुलवाया है? तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट। देखो तुम्हारे दोनों फेवरेट मीठे से तुम्हारे बर्थडे की शुरुआत हुई। एक्चुअली मैं वसूल कर रही हूँ जो पिछले साल इनका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट। अरे ये तो नया टाइप का इसने टैग लगाया है, कहाँ से आया है ये? तो केक कंपनी, केक कंपनी। अरे इसके बहुत अच्छे थे ना, मेरे को याद है दो वो कपकेक्स। अरे केक का साइज बहुत छोटा नहीं है लेकिन? कितने लोग हैं? कितना? हाँ ये भी सही, दो जना, उन लोग तो ज्यादा खाते भी नहीं मीठा। झूठ, तुम तो पूछो ही मत। ओ मैं डाल दिया। क्या हो गया? उल्टी कैंडल लगा दी हो पूरी। ओके ओके, मैंने कभी किसी से केक पे लगाती नहीं ना मैं। और क्या जलाऊंगा मैं? तो वही तो तुम्हारे टास्क है, तुम्हारे बर्थडे पे जला के दिखाओ। जलेगा ही नहीं। सॉरी जलेगी नहीं उम्र कोई भी है। इतनी खुशी मेरा मन पसंद है ऐसे भी।
हमारे पास बच्चा भी है जो भी खा सकता है। तो केक तो टेस्ट करा उसको थोड़ा सा? कराया था। नहीं ये वाला नहीं। It's very dark. हाँ। तो वो तो जा रहे हैं घूमने। अरे ये यहाँ फिसलता बहुत ज्यादा है। इधर लो। हाँ लो, का पापा का बर्थडे है। बेटी, बेटी पापा का बर्थडे है। Happy birthday to पापा। नहीं खाता वो मीठा, मीठा पसंद नहीं बोले को बिल्कुल भी। Happy birthday to पापा। चलो घूमे उसको सुपोर्ट आ रही है। चलो चलो जाओ। चलो जाओ। जाओ घूमी का क्या? चलो घूमी घूमी, घूमी घूमी, घूमी घूमी। तो चलिए अभी ये गए हैं उसे घुमाने के लिए, फिर उसको खाना खिलाते हैं। और आज काफी ज्यादा लेट हो गया, हम लोग का पेट ऑलरेडी भरा हुआ और ये भी अब सोने के लिए हो रहा है। इसमें थोड़ा सा जगा के रखा हुआ था, पहले सो गया फिर उठ गया, फिर मेरे को लगा अभी सुलाती नहीं उसे, फिर पापा का बर्थडे केक कट गया। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मैं क्या करती हूं क्या नहीं करती हूं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।